ऊपर गांव में 50 लाख आमदार निधि से विघ्नहर्ता चौक से सुशांत निवास के हनुमान मंदिर तक का रास्ता सीमेंट कंक्रीटीकरण के लिए हुआ मंजूर, जिसका भूमि पूजन महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रविंद्र चौहान के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर डोंबिवली के नगर सेवक रमेश सुकन्या महात्रे व भाजपा के वरिष्ठ कल्याण युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुरेंद्र दुबे व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पवन गजानन पाटिल एवं ज्योति पवन पाटिल ने अच्छी तरह से पूर्ण की। माननीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों की गड्ढों की वजह से होने वाली तकलीफों को ध्यान में रखकर यह आमदार निधि को मंजूरी दी। साथ ही महापालिका से ठेका लेकर मिलावट करके रास्तों का घटिया स्तर का कार्य करने वाले लोगों पर भी नकेल कसी। आगे से इसी प्रकार के सभी घटिया कामों पर रोक लगा दी गई। हमारे कोपर गांव में पहला तो ऐसा स्थिति था कि यह ग्राम पंचायत रहती थी और बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी के हिसाब से ही रास्ते थे पूरे कोपर गांव के। लेकिन गांव का बस्ती बढ़ता गया, स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, लोक संख्या बढ़ती गई, बड़े रास्ते की ज़रूरत पड़ती गई। तो अपने खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, अपने आमदार और मंत्री रविंद्र जी चौहान साहब, ये ऐसे लोग हैं कि जहाँ जहाँ कमतरता है, कुछ कमी है, तो वहाँ कोई भी चीज़ की मांग की जाए तो अपना फंड ला के देते हैं। वैसा ही आज यहाँ रविंद्र चौहान साहब के फंड से जो आमदार निधि है उनका, उन्होंने उनको हमने पूछा था कि ऐसा ऐसा रोड बनाना है जहाँ भजन कीर्तन होता है, तो वो रोड अच्छी तरह से बनना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत अपना निधि मंजूर किया और करने के बाद ऐसे कोई टाइम भी नहीं गया और तुरंत मंजूर हो गया, उसका भूमि पूजन भी हो गया, कल से काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही काम की गति अगर सरकार की रहेगी तो ना गांव में रास्ता और किसी भी गांव में रास्ता नहीं ऐसा होगा कि जहाँ खड्डे हो, या कंक्रीट रोड जहाँ भी रहेगा तो लोगों की आसानी होगी, लोग खुश रहेंगे और लोगों का जीवन मान जो है वो ऊंचा रहेगा, ऊंचा स्तर पे जाएगा। ऐसा काम करने के वाले के कोपर गांव हमेशा आदर करता है और हम भी आदर करते हैं रविंद्र जी चौहान साहब का, जिन्होंने हमारे गांव के लिए अपना फंड दे दिया। धन्यवाद। आज का दिन आपने देखा रहेगा तो कम से कम 13 या 14 रोड का कंक्रीटीकरण का ही भूमि पूजन रविचंद्र और खासदार श्रीकांत सिंह साहब ने किया है। इसका मतलब है समझिए ना कि 20-25 साल हम को अभी खड्डा नहीं देखेंगे। ये तो है ना, नहीं तो गाड़ी किसी का हड्डियाँ टूट जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, कितना जन ऐसा एक्सीडेंट हो गया खड्डे के वजह से, मर भी गए स्टूडेंट लोग भी मर गए। लेकिन इन्होंने ठान लिया अभी डांबर का रास्ता करने से बार बार उसको रिपेयरिंग करता जाए, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा होता है, तो क्यों ना कंक्रीटीकरण करें, सीमेंट का रास्ता बनाए। और यही सोच के उन्होंने जो काम करने का तरीका ढूंढा है वो बहुत बड़ा है हमारे कल्याण डोंबिवली वासियों के लिए। मेरा जो अनुभव है महानगर पालिका का, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, खड्डे का जिस टाइम टेंडर आता है, एस्टिमेट बनता है, तभी इतना खड्डा है उतना खड्डा है कोई गिनने को नहीं जाता है। और रोड डांबर का रोड जब बनता है, टार रोड जब बनता है, उससे डबल खड्डा बुझाने का खर्चा होता है। तभी सोच लिया था इसका कुछ तो भी इलाज होना चाहिए, क्योंकि वो खड्डे डांबर और ऑयल जो मैकेनिक लोग होता है, कार वाले जिसे गैरेज होता है, उनके पास जो ऑयल मिक्स रहता है ना, यूज किया ऑयल, वो ड्रम के ड्रम किधर जाता है, तो हम तलाश किया था, वो जाता है टार प्लांट में। तो बारिश में ऑयल निकल जाता है और वो खड़ी जो रहता है वो ऊपर आता है, सूख जा, फिर रास्ते में खड्डा शुरू होता है। तो बार बार उनको ही टेंडर, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट, वही अभी सब बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये इसमें से हमेशा के लिए छुटकारा मांगता है तो कंक्रीट का रोड। और ये दोनों हमारे लीडर लोगों ने कंक्रीट रोड बनाना शुरू किया है। धन्यवाद। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित।
CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।